आ रहा हूँ, रुक जाना 2 मिनट के लिए। जल्दी कर यार, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। छोटे छोटा नौकर बना दिया है मेरे को। मम्मी पापा जब तक नहीं आते, इस घर की महारानी तो मैं ही हूँ। अरे जल्दी कर यार, कहाँ रह गया तू? इसमें मेरे को लग रहा है मैंने ना चीनी थोड़ी ज्यादा डाल दी। चीनी? कुत्ते को ने नमक भर रखा है इसके अंदर, सारा टेस्ट खराब कर दिया मुंह का सुबह सुबह। हेलो, क्या कैसे कब क्या हुआ उन्हें? पर उन्हें हुआ क्या? वो ठीक तो है ना? वो सब छोड़ो, हम लोग आते हैं बस अभी जल्दी से। अरे बहन क्या हो गया, किसकी लॉटरी लग गई? पागल, लॉटरी नहीं लगी है, गांव से फोन आया था। नानी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और हमें अभी जाना पड़ेगा। नानी की तबीयत खराब हो गई तो इसमें हम क्या करें? पागल है क्या तू? जल्दी अपना सामान पैक कर और निकलना है गांव के लिए अभी। अभी? जी हाँ अभी। अच्छा ठीक है। अरे भाई जल्दी चल। हाँ बहन चलना। अरे रुक रुक रुक, अब क्या हुआ? अरे हम गांव तो जा रहे हैं, पर जाएंगे कैसे? गाड़ी से, और कैसे? अरे डीग्रो है कहाँ? डीग्रो गाड़ी ठीक होने गई है, मैकेनिक के पास भूल गई क्या? अरे यार तो ये बात तू पहले नहीं बता सकता था। मुझे क्या पता हम गाड़ी से जाएंगे। सोच यार कैसे जाएंगे, सोच। एक काम करते ना, पैदल पैदल चलते हैं। पैदल पैदल? हाँ और क्या, पता भी है गाँव कितनी दूर है, कल तक पहुँचेंगे। ये भी बात सही है। एक काम करते ना, थोड़ी दूर तक तो चलते हैं पैदल, क्या पता कोई मिल जाए, लिफ्ट मांग लेंगे। हाँ लिफ्ट लिफ्ट चले। रुक, 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 रुक। ये पहाड़ जैसी गाड़ी किसकी आ रही है देखियो। वो क्या है ये इतना बड़ा? अबे ये तो राहुल है। अबे हाँ। अबे इस पे इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई? अरे भाई गाड़ी छोड़, जुगाड़ हो गया ये तो अपना। वो कैसे? इसी में चलेंगे ना। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर उसके लिए मनाना पड़ेगा इसको। अरे राहुल भाई ये इतनी बड़ी वाली गाड़ी कहाँ से ले आया तू? अरे मैं तेरे को बताना भूल गया क्या? अबे तो बताना। पता है क्या हुआ था, मैंने 10 रुपए की लॉटरी खरीदी थी, उसको स्क्रैच किया तो 10 लाख रुपए की गाड़ी निकली मेरी थार। 10 रुपए की लॉटरी में इतनी बड़ी गाड़ी? ओ बहन पागल बना रहा है ये। अबे तेरे को पता नहीं क्या, स्कूल टाइम से मेरा सनीचर बहुत अच्छा है, मैं कुछ भी जीत सकता हूँ, शनिवार को कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी ला सकता हूँ। अच्छा, तो भाई एक काम करना, अगले शनिवार को एक और लॉटरी खरीद लियो और ये हमें दे दे। अच्छा तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, खुद लो, खुद स्क्रैच करो, खुद जीतो। लगता है बहन इसको सच बताना पड़ेगा। कैसा सच? अरे भाई वो क्या है ना, हमारी नानी है ना गाँव वाली, हाँ उनकी ना तबीयत खराब हो गई है अचानक, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो यार अपनी ये गाड़ी दिखा दे हमको। ये गाड़ी? अबे तेरे हाइट से दुगनी तो ये गाड़ी है, गाड़ी चलाएंगे, चल मैं नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है मत दिखा, कम से कम हमारी नानी के लिए दिखा दे। हाँ भाई देख, तेरी बहन हमारी बहन, तेरी मम्मी हमारी मम्मी, तो हमारी नानी तो तेरी नानी है ना, दिखा दे प्लीज नानी के लिए। नानी के नाम पे ब्लैकमेल कर रहा है, चल ठीक है दे देता हूँ, नानी के लिए दूंगा सिर्फ। चाबी कहाँ है इसकी? अंदर ही है, पर ध्यान से ले जियो। हाँ भाई कुछ नहीं होगा यार, अभी मैंने बोला ना जो मेरा है वो तेरा। ठीक है बाय।
आराम से। अरे टेंशन मत ले भाई, आराम से ले जाऊंगा। अरे बहन थार साले तू आ, तेरे को मैं बताता हूँ। अब घर कैसे जाऊं, पैदल जाना पड़ेगा। अल्लाह कमीना। मुझे क्या बता, चलते चलते खराब हो गई। दिन ही खराब है आज का। अब क्या करें? बस सारा टाइम यही करता रहा। अब क्या करें, अब क्या करें, खुद तो कुछ करता नहीं है। अरे बहन गाँव तो जाना है ना नानी के पास, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बोलती है उस पे? चले चले चल। ओ, बैग तो ले ले गाड़ी में से। दहेज में मिली हुई साइकिल ना बिल्कुल नकली है, नकली। अब की बार अपनी मेहरारू को बोलेंगे कि दूसरी साइकिल दिलाए। चलो चढ़ गई, थोड़ा अमूत लेते हैं। चलो और भैया क्या हाल है? बढ़िया है, आप कौन? अरे हम आपके शुभचिंतक। शुभचिंतक? अच्छा भी एक बात बताओ, ये असोदा गांव कहाँ पे है? असोदा, देखो इधर जाओगे ना तो इधर नहीं पड़ेगा, इधर जाओगे तो इधर पड़ेगा। तो एक काम करना, इधर से सीधा जाना, ठीक है? सीधे जाके लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे करते करते असोदा गाँव आ जाएगा। अच्छा ठीक है, समझिए। हाँ हाँ हाँ, चल चल, ओके बाय बाय। गंदे हाथ तुम्हारे। कोनो बात नहीं, जाइए। चलो मूत्र विसर्जन तो हो गया, अब चलते अपनी मेहरारू के पास। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। पूरा मोरे मोरे मैया, हमारी साइकिल दहेज के लेके चले गए। अरे 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 अरे, रुकिए, अरे रुक रे, अरे रुका, अरे वाह बहन, सही जुगाड़ हो गया साइकिल का। हाँ भाई, सही टाइम पर तेरी नजर पड़ गई। हाँ वैसे कितना टाइम लग जाएगा पहुंचने में? 2 घंटे तो लग जाएंगे भाई। हाँ? 2 घंटे? तू तो पागल है क्या, 2 घंटे तो मैं साइकिल चलाऊंगा ही। हाँ तो अब क्या करें, तेरी गाड़ी खराब हो गई। पता क्या बहन, मेरे ना घुटने में दर्द हो रहा है, तो एक काम कर, थोड़ी देर तू चला ले। मैं, मेरे से नहीं चलेगी इतनी बड़ी साइकिल। तो मेरे से भी चलेगी। अच्छा ठीक है, बैठ। बैठ जाऊं? ओए ओए मैं गिर गया, रुक गया, रुक गया, चल 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 चल। हाँ चला, चलाती रहे, चलाती रहे, चलाती रहे, चल मेरी धन्नो। सात अजूबे इस दुनिया में, 8 में अपनी जोड़ी। हो नानी, नैन्सी मैं इधर हूँ, तू एक काम कर, तू आगे देख, मैं यहाँ अंदर खेतों में देखता हूँ। नानी, नानी, अरे यार नानी कहाँ चली गई? नानी, नानी, अरे भाई मिल गई क्या नानी? शीट
अबे ये वही है जिसकी हमने साइकिल चुराई थी। अरे तुम दोनों कौन हो? पहले आप बताओ। हमको तुम्हारी आवाज कहीं देखेला लगती है। मुझे भी आपकी शक्ल कहीं सुंगेली लगती है। कौन है तुम लोग? एक तो ऊपर से एक गांठ और ऊपर से ये भी आ गया। अरे अरे क्या करें? रुको अभी तुम्हें बताते हूँ। अरे भैया भैया रुक जाओ, एक कार रुक जाओ बे। हमारा साइकिल लेके भाग गए, 2 मील पैदल दौड़ के आना पड़ा हमको यहाँ पे। अरे पहले ये बताओ मेरी नानी कहाँ पे है? तुम्हारी नानी? अरे नानी जो यहाँ पे रहती है। अच्छा तो तुम छोटे मालिक और वो छोटी मालकिन है? हाँ वही दोनों है। अच्छा वो तो नानी तो 3 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे गई है। क्या तीर्थ यात्रा पे? तो फिर भाई हम क्यों आए हैं यहाँ पे? हाँ हमें किसने बुलाया है? तुम यहाँ पर आए नहीं हो, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। अरे बड़ी ये तो लोकेश मामा है। छोटे पता है मुझे। चलो अरे मामा जी। नमस्ते कौन करेगा? नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे मामा जी नानी का है, नानी की तबीयत खराब है। अरे बेटा तेरी नानी तो गई हरिद्वार 3 दिन के लिए। अरे वो तो मेरे को चिद्दी ने बता दिया। तो मामा जी हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या लगता था इस सारे घर का काम मैं करूँगा? बेटा घर का काम मैं तो करूँगा नहीं, घर का काम कौन करेगा? तुम। गाय को पानी कौन पिलाएगा? तुम। गाय को नहलाया कौन? तुम। झाड़ू पोछा कौन करेगा? तुम। अरे मामा जी तो गलत बात है ना भाई? गलत बात तो है। हाँ तो क्या हो गया? अगर नानी ठीक है तो बड़ी काम करते ना, हम घर चलते हैं। हाँ और क्या, चलो। हाँ यहाँ रुकने का फायदा ही क्या है, चले। अबे घर कैसे जाओगे, शाम हो गई है ना, यहाँ पर प्लेन चलता ना ट्रेन चलती ना बस चलती। ना हमें प्लेन में जाना, ना हमें बस में जाना, और ना ही हमें ट्रेन में जाना। हाँ हम तो इस साइकिल पे आए, इसी पे वापस जाएंगे। चल वो देखो। अरे मामा जी ये क्या करा दिया? चलो एक काम करो, काम पे लग जाओ, झाड़ू उठा ले। चलो जा रहा पता तेरे को, चिमकांडी जा। पतली गली से लेट ले, काम कर जाओ। तो बड़ी तैयार है? तैयार है। चल फिर। उठाई के झाड़ू सफाई वाला, उठाई के झाड़ू सफाई वाला, फिर हम ऐसे करें कमाल, दुनिया दे फिर अपनी मिसाल। सीधा साफ करे। मैं तो बहुत थक गया यार, और अभी तो बहुत सारा काम है, गोबर उठाना है, भैंस को खाना देना है। कैसे करेंगे भाई हम इतना सारा काम? करना तो पड़ेगा ना, इनको देखियो कैसे बैठ के सेब खा रहे हैं। चले काम करते हैं, काम को थोड़ा आसान करते हैं। तू गाय को खाना दे दे, मैं इतने भैंस को गोबर वगैरह, गाय को गोबर वगैरह देखता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक है। यार मैंने कह तो दिया कि मैं खाना दे दूंगी, पर खाने को दूं क्या गाय को? मुझे तो पता ही नहीं क्या देते हैं। ए मन बुद्धि यहाँ क्या कर रही है? काम करने को बोला था ना। अरे काम ही करने आई थी मैं, वो गाय को खाना देना है ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा गाय को दूं क्या मैं, दूध ब्रेड खाती है क्या वो? ए तुम सारी लोग ना बिल्कुल पोपलू होते हैं, पोपलू। तुम लोगों को पता नहीं है गाय भैंस क्या खाती है? चारा खाती है, आटा खाती है, भूसा खाती है, ये सब पता नहीं है तुम लोगों को? अच्छा तो ये सब कहाँ मिलेगा? ये भी बताना पड़ेगा। ये रहा। अच्छा ठीक है मैं भी लेके आती हूँ। चल काम पे। जरा देख क्या दूसरा क्या कर रहा है, वो भी ऐसी कुछ हरकत कर रहा होगा। क्या देख रहा है बे? मैं देख भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ कि गाय ने ये दीवार पे चढ़ के गोबर कैसे किया। तुम सहरी पपलू लोग ऐसे ही होते, ऐसे ही नालायक होते हो, कुछ समझ में आता नहीं।
बात की बात बना दे तो हंसी हो रहा जाती है। गधा, गाय ऊपर चढ़ के गोबर नहीं किया, फिर गाय ने नीचे ही गोबर किया। गाय ने गोबर किया ना, फिर इंसान गए उसके पास, पराठा चेप दिया। अच्छा, जब भी मैं सोची वैसे कैसे हो गया, सोच कर रहा है, चल काम पे लग, देखो गोबर उठा। तो मैं सेम चीज करूं? हाँ। गोबर को अपने हाथ से? हाँ। मेरे से नहीं होगा ये? जाता कि बताऊं अभी? हाँ, जा रहा है। चलो निकलो, काम पे चलिए चलिए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान। हाँ, बेईमान तो लग रहा है, लग रहा है बारिश होने वाली आज। बेईमान है आज मौसम। हाँ, ये काम तो हो गया, इतना सारा काम करके भूख लग गई, कुछ खा लेती हूँ। खुजली क्यों हो रही है? बदबू। ज्यादा गंदे हो गए, बदबू भी आ रही है, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? खाना? वैसे भूख लग रही है, देखता हूँ मामा जी का कुछ खाने को दे दे। खाने को तो मिलेगा ना थोड़ा बहुत। जय माता जी। अरे चिद्दी, खाना तूने बहुत टेस्टी बनाया भाई। थैंक यू मालिक, थैंक यू। अरे मामा जी, थोड़ा सा खाने को दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है हम दोनों को। गाय का चारा खा लो। अरे मामा जी, गाय का चारा गाय खाएगी ना, हम दोनों थोड़े खाएंगे। मामा जी दे दो ना, इतना सारा काम करके पता कितनी भूख लग गई है हमें, सुबह से कुछ नहीं खाया, दे दो प्लीज। वैसे मामा जी, आज खाने में है क्या? खाने में बनाया मक्के की रोटी, सरसों का साग। मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये तो बहुत टेस्टी होता है बहन। हाँ, मामा जी शहर में ना ये मिलता भी नहीं है, हमें भी थोड़ा सा खिला दो ना। हाँ, खिला दो ना, खिला दो ना। अच्छा खाना खाना है यार, मैंने आधा खा लिया और आधा बचा हुआ है। आधा? हाँ एडजस्ट कर लेंगे हम, आप प्लीज दे दो। ले पकड़। हाँ बहन खाते हैं, आ जा, आराम से खा लो जानवरों। चल सिद्धी पैर दबा दे यार, थोड़ा लेट लेते हैं, आ जा खेत में काम कर रहे थे। अच्छा बहन आ जा, जल्दी जल्दी खा। क्या साग बना है, साग रोज खाने को मिलता। हाँ पहले मुंह का तो खा ले। मुझे भी तो खाने दे। रुक जाना, मैं अभी तो आ रहा हूँ। मस्त पेट भर गया मेरा तो। बहुत टेस्टी था ना। हाँ चल बहन, आज चौथा कोटा हो गया पूरा, अब थोड़ी देर सो जाते हैं। हाँ। बाकी ये काम कर देंगे। चल अरे बहन, पिछले तीन दिन से हम एक ही काम कर रहे हैं, कुछ नया करने को ही नहीं है, क्या करे? हाँ भाई, मेरे तो दिमाग खराब हो गया, रोज एक ही काम कर करके बस ये खाना डालते रहो गाय को। चुप कर, मना देखो, खाना देने का ही काम मिला है। मेरा याद है, गाय का गोबर उठाता हूँ मैं नातों से, रातों खाना खाता हूँ ना, इतनी गंदी स्मेल आती है नातों में से, पूछ मत, खाना खाया नहीं जाता मेरे से। यार क्या अननोन नंबर। हाँ मैं शिवम डीकरा बोल रहा हूँ। नहीं
सच्ची? हाँ ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ, किसकी लॉटरी लग गई? अरे हाँ लॉटरी लगी है। सच्ची थार निकली क्या उसमें? अरे थार नहीं निकली यार, तू सुन मेरी बात। देखो याद है लास्ट वीक मैंने हॉस्टल जाने के लिए फॉर्म भरा था? हाँ हाँ, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह भाई, कांग्रेचुलेशन। अच्छा तू जा कब रहे? कल ही। कल ही? पर भाई कल तो, कल तो, कल तो क्या? कुछ नहीं, मैं गाय को खाना दे के आती हूँ। अरे बता तो कल तो क्या, अरे बोलना कल तो, कल क्या है? बाय भैया, बाय बाय। पैर छू। हाँ मामा जी, बाय बाय। शाबाश चीते, शाबाश। मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय। भाई, अरे भाई, भाई आज तो रख। गया था आगे तक सामान लेने के लिए। अरे मेरी बहन, मेरे को पता है आज रक्षाबंधन है। मैं आ गया। अरे मेरे को राखी नहीं बांधेगी क्या? अच्छा मैं काम कर, तू भी ना अंदर जाके मामा जी के कपड़े पहन के आ जा। कुर्ता पजामा रखा हुआ है उनका। कुर्ता पजामा मामा जी का? मेरे को आएगा भी नहीं यार। अरे आ जाएगा यार, ट्राई तो कर तू। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बहन तू एक काम कर, थाली वगैरह रेडी कर ले, इतने मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ठीक है। मालिक, छोटे मालिक आ गए। मेरा कुर्ता है तू? हाँ मालिक, आपके कुर्ते में बिल्कुल ये सुम्मर लग रहा है, सुम्मर। कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे वाह भाई, तू तो बहुत मस्त लग रहा है। हाँ तू सही कह रही थी, मामा जी का कुर्ता मेरे को बिल्कुल फिट आया है। अरे राखी का बांधेगी? आना जल्दी। अभी आया, अभी आया। बहना मेरी बहना, संग मेरे यूं ही रहना तू। जाते प्यारी लगे शान, एक बात तने बताऊं मैं। लड़ना भी मेरी रेल तेरा, हर बार कितने मनाऊं मैं। तेरे कितने लाड लड़ाऊं मैं, नखरे जो जहां ते न्यारे हैं। अरे मामा जी वो देखो, हमारी थार ठीक होके भी आ गई। आ तो गई। हाँ तो हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है मामा जी, फिर मिलेंगे। और हाँ अगली बार आएंगे ना तो हम खुद आएंगे, ये फर्जी कॉल मत करना। बाय बाय मामा जी।
तो कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और अब बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए हर हर महादेव।